कैथल CIA2 पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चुराने वाले अंतरराज्य गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। कैथल के CIA2 परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए DSP कुलवंत सिंह ने बताया कि CIA2 की टीम ने 14 मार्च को खेड़ी गुलाम अली निवासी सोनू को गिरफ्तार किया था, जिसे अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपित दास उर्फ सतीश और प्रवीण को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लाई गई गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस ने इन आरोपितों से पूछताछ के तहत चोरी की बैटरियां खरीदने व कबाड़ी का काम करने वाले आरोपी किनाना निवासी कुलदीप और जींद निवासी सुभाष को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य कबाड़ी बिजेंदर अभी तक फरार है। DSP ने यह भी बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान चोरी की 14 वारदातें कबूल की हैं, जो पंजाब हरियाणा के कैथल व कुरुक्षेत्र व अन्य जगहों से की गई थी। पुलिस ने आरोपियों से 35 सिली स्क्रैप, 60 तोड़ी हुई बैटरियों के खोके और 47 तोड़ी हुई बैटरियों के ढक्कन बरामद किए गए हैं और एक पिकअप गाड़ी भी बरामद की गई है। वहीं CIA प्रभारी ने बताया कि जींद से गाड़ी में आकर आरोपी पहले रेकी करते थे। ये आरोपी बैटरी चुरा कर किनारा निवासी कुलदीप को भेजते थे और कुलदीप आगे इन बैटरी को जींद निवासी सुभाष को भेजता था और सुभाष आगे रोहतक के पास बालन गाँव में बेरी रोड पर फैक्ट्री में बेचते थे, जहां पर मुख्य आरोपी चोरी की बैटरियों को तोड़कर सिल्ली तैयार करता था। पुलिस ने रेड कर सामान बरामद कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी विजेंद्र मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इसमें यह गाड़ी का जो नंबर है, हमारे पास नंबर आ गया था गाड़ी का, पिकअप बोलेरो, जिसे चोरी करके भागते हैं। गाड़ी के नंबर के हिसाब से हमने फिर सोनू को जो अरेस्ट कराया, सोनू को अरेस्ट करके रिमांड पे लिया गया, पूछताछ करेगी। पूछताछ में इसने डिस्क्लोज कराया कि हम 6 आदमी, एक हमने अरेस्ट कर लिया था, 5 और 6 आदमी पहले रेकी करते हैं जींद से आने के बाद इसी गाड़ी में, रेकी करने के बाद रात को ये वारदात को अंजाम देते हैं। हमने 6 आदमी में से 2 आदमी अरेस्ट करे, टोटल 3 अरेस्ट हो गए इस ड्यूरेशन में, रिमांड के ड्यूरेशन में। इसके अलावा हमने फिर ये बैटरी जहाँ बेचते हैं उससे बात करी, तो पहले कुलदीप है जो किनाना से, कुलदीप को बेचते थे कबाड़ी को, कुलदीप फर्दर जो कबाड़ी है सुभाष जींद वाला उसको बेचता था, जो जींद का जो कबाड़ी है सुभाष वो फर्दर इन बैटरियों को बेचता था फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री है बालंद रोहतक, बालंद गांव है रोहतक में बेरी रोड पे, वहां ये फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बेचते हैं, जो बैटरियों से अंदर का जो लेड वगैरह है वो निकाल के पिंगला के सीली बना के फर्दर बेच देते हैं। तो हमने जो रेड मारी है वो फिलहाल काबू तो आया नहीं है, बिजेंदर है जो फैक्ट्री मालिक है वो काबू नहीं आया, लेकिन वहां से हमने जो रिकवरी करी है, जो ये बैटरी है टावर की बैटरी, ये अलग टाइप की है ड्राई बैटरी, वो खाली बैटरी के खोखे रिकवर करे हैं, साफ के करीब ढक्कन है जिससे वो बैजिंग मिलती है वो रिकवर कर लिए। इसके अलावा 35 वहां सिल्ली थी, जैसे 4 या 5 बैटरी का जो लेड पिंगला के एक सिल्ली बनती है जिसको फर्दर आगे वो बेच देता है। अब कहाँ बेचता है कहाँ नहीं वो अरेस्ट होगा उसके बाद उनका डिस्क्लोज होगा। उसमें ये 35 सिल्ली तकरीबन हमने अरेस्ट करी है, ये 35 सिल्ली, 60 तोड़ी हुई बैटरी, 47, ये सारे 102 CRPC में हमने लिए हैं। जो इसमें जो वारदात में जो हमारा मुकदमा है ये 50 नंबर C1 का, इसमें जो एक बैटरी चोरी हुई थी वो हमने रिकवर कर ली है, पिकअप बोलेरो रिकवर कर ली है। फर्दर जो डिस्ट्रिक्ट के इन्होंने जो डिस्क्लोज करे हैं, जैसे ज़्यादातर मुकदमे हैं शाहबाद के, 2 मुकदमे पंजाब के भी हैं, कुरुक्षेत्र में शाहबाद के साथ जो एरिया लगता है इस एरिए में चोरी करते थे, अपने इस एरिए में सदर में और शिवर में, ये 2 मुकदमे थे। वो फर्दर उसमें अपने यहाँ से जो बाल मुकदमा जो लिया है हमने 102 RPC वो लेंगे, और इसके अलावा जो वो बिजेंदर अरेस्ट होगा उससे और भी जितनी रिकवरी होती है फर्दर काम इसके आगे इन्वेस्टिगेशन। टोटल 14 वारदात इन्होंने कबूल की है, 2 अपनी वारदात हैं, 12 अदर डिस्ट्रिक्ट की वारदात हैं, 2 पंजाब की वारदात भी है, जिसमें लगभग लगभग 424 के करीब बैटरी है, जिनकी कीमत अगर इनिशियल कीमत देखे तो लगभग 25 लाख के करीब। सर पिछला क्रिमिनल रिपोर्ट क्या है इनका? पिछला क्रिमिनल रिपोर्ट बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे इसमें मेन मुलजिम है जो दास है, उसके ऊपर तकरीबन 10 के करीब मुकदमे हैं चोरी के, और इसके अलावा जो और भी मुलजिम हमारे जो 3 मुलजिम है मेन, अब जो 5 अरेस्ट हुए उसमें से 3 मुलजिम है और 2 कबाड़ी है। CIA2 ने फिर मैंने SP साहब दिया दिया निर्देश अनुसार इनको जो आजकल टावरों से बैटरी जो चोरी हो रही है उसके संबंध में एक मुकदमा नंबर 50 जो शिवनाथ थाना का था वो इनके नाम किया गया था कि आप इन चोरों को पकड़ो। तो इंस्पेक्टर सोमगिरी के नेतृत्व में CIA2 की टीम ने
14 तारीख को सोनू वासी खेड़ी गुलाम अली को इस संबंध में गिरफ्तार किया और 3 दिन का रिमांड लिया। रिमांड के दौरान इन्होंने इसके जो साथी दास उर्फ सतीश, परवीन पुत्र सुभाष और 2 जो कबाड़िया काम करते हैं, जो चोरी हुई बैटरियाँ जो खरीदते हैं, कुलदीप और सुभाष, इनको अरेस्ट किया। जो इन्होंने पूछताछ के दौरान करीबन 14 वारदात करने कबूल किए, जो पंजाब की भी है, क्षेत्र की भी है, दूसरे जिलों की भी है, और यही टू ने इनसे अब तक 35 सिली सक्रेट, 60 तोड़ी हुई बैटरियाँ के खोखे तथा 47 तोड़ी हुई बैटरी और ढक्कन बरामद कर लिए हैं। जो अभी इनका जो मेन जो कबाड़ी है वो अभी अरेस्ट करना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक